वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। रोज अच्छे नहीं लगते हैं आंसू, खास मौके पे मजा देते हैं। किसी शायर की शायरी उन कथित किसान नेता पर बिल्कुल बिल्कुल सटीक बैठती है जिनके लिए हर आंसू की एक कीमत होती है, हर आंसू पर सियासत होती है, जिन्हें फर्क पड़ता है कि मरने वाला कौन है और किस राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक रखता है। इनके लिए तो हर खून का रंग ही अलग होता है, इसलिए सियासत के हिसाब से इनके जज्बात बदल जाते हैं, विचारधारा बदल जाती है और माथे पर शिकन की रेखाएं भी बदल जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। जी हां, ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है। अब एक ऐसे संगठन में अपने आप को, एक ऐसा संगठन जो अपने आप को बोलता हो कि जी हम तो किसानों के बहुत बड़े मसीहा हैं इस देश में, जिन्होंने पहले निहंगों को किनारा कर दिया और अब अपने ही नेता को साइड कर दिया। दरअसल संयुक्त किसान मोर्चा ने योगेंद्र यादव को एक महीने के लिए सस्पेंड कर दिया है। एसकेएम केंद्र सरकार के कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान संगठनों का शीर्ष निकाय है और योगेंद्र यादव पर यह कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे डाले गए बीजेपी कार्यकर्ता शुरु मिश्रा के घर वो चले गए थे। गलती से ही शायद किसान नेता योगेंद्र यादव का जमीर जाग गया होगा, क्योंकि लखीमपुर मामले में सिर्फ किसान नहीं मारे गए बल्कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए थे। वो भी तो किसान ही थे ना, बस कंधे पर भगवा चोला था, इसलिए आंदोलन जीवियों की आंखों में चुभने लगे थे। और जब योगेंद्र यादव उनके घर पहुंचे तो एसकेएम को यह बात हजम नहीं हुई। बता दें कि इस मुलाकात के बारे में यादव ने खुद ट्विटर पर जानकारी शेयर की थी। उन्होंने लिखा था कि शहीद किसान सभा से वापसी में बीजेपी कार्यकर्ता शुभम मिश्रा के वो घर गए थे। परिवार वालों ने हम पर ज्यादा गुस्सा नहीं किया, बस दुखी मन से सवाल पूछा कि क्या हम किसान नहीं है, क्या हम इंसान नहीं है, हमारे बेटे का क्या कसूर था, आपके साथी ने एक्शन का रिएक्शन वाली बात क्यों कही, उनके सवाल कान में गूंज रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस ट्वीट के बाद से ही योगेंद्र यादव के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा में नाराजगी का माहौल बन गया था। भैया नाराज तो होंगे वो कि हम जो खालिस्तानी मूवमेंट चलाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान आंदोलन के नाम पे धार्मिक आंदोलन चलाने की जो कोशिश कर रहे हैं, योगेंद्र यादव तुमने सारा बर्बाद कर दिया। उनके खिलाफ मोर्चा कार्रवाई करने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन उससे पहले उन्हें माफी मांगने को भी कहा गया था। आखिरकार 21 अक्टूबर 2021 को हुई संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में योगेंद्र यादव को एक महीने के लिए सस्पेंड करने का निर्णय लिया गया। सूत्रों के मुताबिक पंजाब के किसानों ने बड़ी ही आक्रामकता के साथ योगेंद्र यादव पर कार्रवाई करने की मांग की। बैठक के दौरान योगेंद्र यादव ने शुभम मिश्रा के परिवार से मिलने से पहले अपने सहयोगियों की सलाह ना लेने के लिए माफी मांग ली थी और शायद ये जायज भी बनता है, लेकिन उन्होंने मृतक भाजपा कार्यकर्ता के परिवार से मिलने के लिए कोई माफी नहीं मांगी और ये माफी मांगना जायज भी नहीं बनता था। क्या किसान संयुक्त मोर्चा वाले इस देश में ये नैरेटिव फैलाना चाहते हैं कि ये भगवादारी अगर मर भी गए, ये भारतीय जनता पार्टी वाले अगर मर भी गए तो भी कोई संवेदना नहीं जता सकता? क्या ये देश के गुंडे बताना चाहते हैं इनको? ये गुंडे खुद हैं। योगेंद्र यादव का कहना था कि उन्होंने संवेदना व्यक्त करके कुछ भी गलत नहीं किया और ऐसे में सवाल ये किया जाना चाहिए कि क्या ये किसान हो सकते हैं, ये जो अपने आप को तथाकथित किसान संयुक्त मोर्चा वाले बनते हैं, जिनको यही नहीं पता होता कि किसके मरने पर संवेदना जतानी चाहिए, उनको भगवादारियों से इतनी नफरत हो चाहिए, तो क्या ये किसान हो सकते हैं जो मरने वालों को राजनीतिक चश्मों से देखें, जिनके संवेदना तब फूट कर बाहर निकलेगी जब वो किसी दूसरी पार्टी का हो? मौत पर सियासत करने वाले ये लोग भूल चुके हैं कि ये धरती पुत्रों की है, ऐसे मौका प्रस्तों की नहीं। किसानों ने इसे खून पसीनों से सींचा है और किसान के आंसू कभी जाति, धर्म, मजहब या राजनीति देखकर नहीं निकलते। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि कौन है वो जो किसानों के नाम पर धरती पुत्रों को बदनाम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और क्या आपको अब भी लगता है कि किसान संयुक्त मोर्चा वाले सच में इस देश में किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।